मैं सारा ने मैं प्रियंका शिवाच और आप देखने लग रहे हो एचआर न्यूज। तुम्हारे विक्रम जांगड़ा सर जी लगातार अपने कवरेज दे रहे होंगे चुनाव के बारे में कि किसा माहौल है। तुम्हारे लोकसभा के जो चुनाव है वो नजदीक आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी जनता जो है वो किसने इसकी बार किसका चेहरा देखना चाहो अपने संसद के रूप में। तो हम बात करेंगे अंकल जी से। अंकल जी का तो फोन आया। अंकल जी क्या लग गया आपने इस बार कौन आओगा चुनाव में? बेड़ा तो मोदी की लग रहे हैं जमा क्लियर है। मतलब अंकल का कहना है कि बार बीजेपी आओगी, क्यों अंकल है? बेवाह बात है, सारे काम बढ़िया चल रहे हैं, गुंडागर्दी अंड बंड सब क्या था नफराम हां गुंडागर्दी ते हैं। मन तो कौन लगदा अंकल यो आपने ना लगदा बेटा, हमारा हल्का ना तो लग हमने काम छकमा लग रहे हैं। देखो देखो बताओ और बोलो बोलो अंकल बोलो। वो गुंडागर्दी तो कहीं और चला दी। हाँ गुंडागर्दी बहुत होगी। बोलो अंकल बोलो। कांग्रेस आएगी भाई, कांग्रेस आओगी की बार, यो सर का कहना है। तो अंकल आप बीजेपी? बीजेपी अंकल, बीजेपी। तो युवा नेता आप कुछ कहना चाहोगे? बोल दो। ये नहीं बोल लेंगे तो इन बोल एक बार सर, आप बताओ इसकी बार सरकार किसकी होगी? सरकार उसकी होगी जो काम करेगा। काम मतलब इब तक कोई काम करता है कौन यार? सरकार तो इभी भी है, सरकार है लेकिन है, सरकार है अभी। सहमत नहीं है इस तरह। अरे सर सहमत नहीं हो मतलब फिर आप वोट किसकी गिरोगे? नहीं हो तो बताओ ना। वोट हमें मोदी का, मोदी की देंगे मोदी। लेकिन हाँ सही कह, मोदी पिछली बार भी मोदी था, इस बार भी मोदी है, मोदी ने जिताओगे? वाह क्या बात है। मतलब जो माहौल देख रहे हो आप वो मोदी के साइड ज्यादा जा रहा है, तो मतलब क्यों ऐसा, क्यों मोदी क्यों काम कर रहे हैं? कितनी सस्ती दवाइयाँ दे रहे हैं यहाँ पे, ये सस्ती दवाइयाँ पूछ लो अंकल, बता देंगे कितने की लाते हैं अंकल ये आप बाहर से? बाहर से तो ज्यादा महंगी मिलती है, यहाँ ठीक है। बाहर पे महंगी मिले हैं और यहाँ पे सस्ती मिले हैं, क्यों? वो क्यों? गवर्नमेंट की वजह से है ना ये, तो यो सरकारी है कि? अच्छा ये सरकारी है इसलिए है? और कोई यो सिर्फ एक दवाई फ्री दे दी, मतलब कम रेट पे दे दी, सस्ती दे दी, सस्ती है यहाँ पे दवाई, तो सिर्फ इसे वजह है आप मोदी ने दोगे वोट? और भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और क्या और क्या करें आपने, क्या लागे हमारे हिसाब से तो हम जहाँ बैठे वो तो अच्छा है ही, आराम आराम से होंगे वो, आगे दिखाई देंगे अगली सरकार में, ये तो ट्रेलर था ना, अभी आगे दिखाएंगे और तो क्या करेंगे वो। चलो ट्रेलर देखा है, पिक्चर भी बाकी है। तो अंकल आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्यों आप वोट नहीं डालोगे के? ये क्या, क्यों ये क्या बात हुई? चलो अच्छी बात है, इन अंकल तो जानांगे एक बार। अंकल जी राम राम। राम राम। ठीक हो अंकल? तो अंकल इस बार के लागे आपने कौन आओगा? बीजेपी से अलग कोई आ जाओ। बीजेपी से अलग कोई आ जाओ, क्यों अंकल ही साथ क्यों? नफरत है हमें उससे। सब कम है किसान है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे किसान, किसानों के लिए कुछ नहीं किया मतलब किसानों के लिए कुछ नहीं किया जो दुष्यंत चौटाला था उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वो तो मतलब का था, उसी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उसी में लालच के बस अपने। बिल्कुल मतलब सही कर दिया। जमींदार के लिए कोई कुछ नहीं करता, जमींदार के लिए कोई कुछ नहीं करता, क्यों कुछ नहीं करता? फिर भी लोग बीजेपी ने पसंद कर रहे हैं, पर्ची ले हैं और पल्ला झाड़ जाए हैं। बिल्कुल अपनी पर्ची ले और पल्ला झाड़ जाओ है, यो कहना चाहो अंकल आप? अरे फिर ये शक्ल नहीं दिखाओ है, ये भी बात है। बिल्कुल सही। और हाँ बेटे इवन की फसल आ रही है, सारे आओगे बना के हाथ जोड़ के अपना इसकी देनी दे देंगे। चलो बढ़िया अंकल, तो जीत तो बनेगी दीपेंद्र की, दीपेंद्र हुड्डा मतलब। हाँ मैंने भी लागे इसकी बार पलड़ा भारी, दीपेंद्र हुड्डा का लागे है, क्यों अंकल? अंकल जी तो बहुत खुश है दीपेंद्र हुड्डा ते, क्यों अंकल? खुश नहीं, मैंने कभी कांग्रेस का वोट नहीं डाला आज तक, कांग्रेस का वोट नहीं डाला, मोदी का, मोदी तो आपने नफरत है लोगा। अच्छा चौटाला, क्या बात है, क्या बात है अंकल। हम हमेशा से उस पार्टी के रहे, आप हमेशा फाइनल क्यों, क्यों बीजेपी को हराने के लिए हम किसी का भी वोट डाल सकते हैं, बीजेपी को हराने के लिए किसी का भी वोट डाल सकते हैं, उसको टक्कर देगा।
हाँ ये बात सही, ये बात आपने बिल्कुल परफेक्ट बोली, टक्कर देगा। इब की बार टक्कर की लड़ाई हो रही है, तो आप देखने लग रहे हो जो माहौल है वो बिल्कुल गर्म होता जा रहा है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही, देख दे रही है HR News।